हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 m/s² इन बॉल ऑफ मास 6 kg। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि आपके पास एक बॉल है जिसका मास 6 kg है, तो हमें ये बताना है कि हम कितना फोर्स प्रोड्यूस करेंगे कि उसमें 4 m/s² का एक्सेलरेशन लग जाए। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 4 m/s² और मास दिया हुआ है 6 kg। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास F=ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपको दिया है 6 और फोर्स सॉरी एक्सेलरेशन है आपका 4। तो ये हो गया आपके पास 6 × 4 = 24 N। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 1 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट। The force then ceases to act and the body moves through 2 m in the next 1 second. Find the magnitude of the force. इसका मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी के ऊपर जिसका मास 2 kg है उसके ऊपर 1 सेकेंड के लिए फोर्स लगाया जाता है स्टार्टिंग में, जब बॉडी रेस्ट पर होती है। ठीक, उसके बाद द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट एंड द बॉडी मूव्स थ्रू 2 m इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड। फिर और फोर्स लगाया जाता है और वो बॉडी 2 m मूव करती है नेक्स्ट अगले 1 सेकेंड में। हमें बताना है कि फोर्स कितना लगा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए, क्योंकि बॉडी हमारी इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे बॉडी है, तो हमारा यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगा। और मास कितना है बॉडी का, 2 kg है। फिर आपको ये कहा गया है कि बॉडी को 2 m यानी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 m और टाइम 1 सेकेंड। नेक्स्ट यानी कि फाइनली हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी 2/1। तो v = आ जाएगा आपका 2 m/s। तो यहाँ से सबसे पहले आपको a निकालना होगा और f निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम a निकालते हैं, तो v = u + at। v आपका क्या है, 2 एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a इंटू कितने समय के लिए, टाइम कितना है 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 = a × 1 a + 0 a, यानी आपके पास a कितना आ जाएगा, 2 m/s². अब यहाँ एक्सेलरेशन आ गया है, हम फोर्स अब निकाल सकते हैं F = ma। तो मास है आपका कितना दिया हुआ है, 2 kg और एक्सेलरेशन आपका 2। तो ये हो गया 2 × 4 N का फोर्स यहाँ पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मोमेंटम से रिलेटेड करते हैं। अ बॉल ऑफ मास 50 g मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 m/s इज़ ब्रॉट टू रेस्ट बाय अ प्लेयर इन 0.01 सेकेंड। फाइंड फर्स्ट चेंज इन मोमेंटम, सेकेंड फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल। इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉल है जिसका मास कितना है 50 g और वो किस स्पीड से चल रही है, 20 m/s की स्पीड से चल रही है और 0.01 सेकेंड में फोर्स लगाया जाता है और उस बॉल को रेस्ट पर ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी 20 m/s हो गई और फाइनल वेलोसिटी v = 0 हो गई। क्यों, क्योंकि
क्योंकि बॉडी जो है रेस्ट पर आ गई और टाइम यहाँ पर क्या हो गया 0.01 सेकेंड। अब हमें फाइंड क्या करना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में कितना चेंज आया है। तो सबसे पहले ये देखना है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तुम्हारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, तो पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, मतलब कि मास इंटू वेलोसिटी। तो हम सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है तो इनिशियल मोमेंटम, स्टार्टिंग में मोमेंटम क्या रहा होगा। इनिशियल मोमेंटम पी वन इज इक्वल टू एम इंटू यू, एम इंटू यू, एम आपका कितना है 50 ग्राम है, ध्यान से देखिएगा 50 ग्राम है, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी में आ जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 है, ये कैंसिल, अभी हो गया 5 × 10, तो आपके पास आ गया 1 kg meter per second। ठीक, अब फाइनल मोमेंटम निकाल लेते हैं। फाइनल मोमेंटम P2 इज इक्वल टू एम वी। फाइनल मोमेंटम, यहाँ फाइनल वेलोसिटी हम यूज़ करेंगे, तो m कितना हो गया आपका 50 ग्राम्स है, उसे kg में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 0 फाइनल वेलोसिटी। अब किसी भी नंबर को 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, तो मीन्स हमारा फाइनल मोमेंटम जो है कितना आया 0। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम P2 - P1 मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 0 और इनिशियल मोमेंटम आपका आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया -1 kg meter per second। अब हमें सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यानी कि -1/टाइम। टाइम कितना है, यहाँ हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, दिस इज योर फोर्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये -1 और ये टाइम आपका 0.01 सेकेंड। अब पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 1 और 2, तो फोर्स आपका आ गया -100 न्यूटन। अब यहाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज रिटार्डिंग, फोर्स रिटार्ड हो रहा है, कम लग रहा है। ठीक है, और दस फोर्स कितना होगा 100 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर रिलेटेड है। मास ऑफ ए गन इज 3 kg एंड मास ऑफ बुलेट इज 15 ग्राम। इफ द बुलेट एग्जॉस्ट फ्रॉम गन विद वेलोसिटी 100 meter per second देन फाइंड रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। आपको कहा गया है कि आपके पास एक गन है जिसका मास 3 kg है, तो यहाँ हम मान लेते हैं m1 इज इक्वल टू 3 kg, और फिर मास ऑफ बुलेट, बुलेट है उसका मास कितना है 15 ग्राम, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 0.015 kg। फिर है, कहा जाता है इफ़ द बुलेट एग्जॉस्ट फ्रॉम गन, अगर
बुलेट गन जब चलाई जाती है तब उसमें से जो बुलेट निकलती है उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो कितनी स्पीड की स्पीड से निकलती है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि गन जो है वो कितनी स्पीड से वो पीछे की ओर जाएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी है 0 होगी। क्यों? क्योंकि रेस्ट पर है, स्टार्टिंग में गन और बुलेट जो है रेस्ट पर थी। दैट्स वाई U1 इज इक्वल टू 0, ऑल्सो U2 इज इक्वल टू 0। और V1 हमें बताना है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ गन हमें बताना है, और V2 हमें दिया हुआ है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है, m1 u1 plus m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अब यहाँ पर देखिए, m1 u1 आपका 0 है और m2 u2 भी आपका 0 है। अब m1 यहाँ हम लिख देते हैं 3, और v1 हमें पता नहीं, और m2 हमारे पास 0.015 है, और v2 हमारे पास 100 है। तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए m1 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ m2 को भी 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये टोटल हमारे पास 0। अभी हो जाएगा 3 v1 प्लस, अब 0.015 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपके पास आएगा 1.5। ठीक, अब ये इधर ले आइए, तो -1.5 इज इक्वल टू 3 v1, तो ये हो जाएगा -1.5 upon 3 इज इक्वल टू v1, ये हो जाएगा 0.5। तो मीन्स गन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देर आर टू स्फेयर्स ऑफ मासेस 50 kg and 20 kg। हमारे पास दो स्फेयर हैं जिनका मास 50 kg है और एक का मास 20 kg है। तो हम लिख लेते हैं m1 इज इक्वल टू 50 kg एंड m2 इज इक्वल टू 20 kg। दे आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दोनों, जैसे एक ये बॉल है एक ये बॉल है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इसका मास m1 हो गया, या ये m1 मान लीजिए और ये m2 मान लीजिए। ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं विद अ वेलोसिटी 10 m/s and 50 m/s। इसकी वेलोसिटी जो है 10 m/s है और इसकी वेलोसिटी है 50 m/s है। ठीक, तो इफ़ दे कम्बाइंड आफ्टर कोलिजन, जब ये दोनों मिल जाते हैं, जब एक दूसरे से टकराते हैं, तब हमें बताना है कि इन दोनों की कम्बाइंड वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें, हम क्या करेंगे, मीन्स आफ्टर कोलिजन इनके वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v हम मान लेते हैं। ठीक, तो वही हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, क्योंकि ये देखिए अपोजिट में है, तो एक ये हम यहाँ पर इसका, इसकी वेलोसिटी हम -10 लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होगा, m1 u1 plus m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 plus m2 v2। तो यहाँ m1 आपका है 50, into u1 है -10,
प्लस एम टू 20 है और यू टू है आपका 50 इज इक्वल टू एम वन है आपका 50 वी प्लस 20 वी। तो ये हो गया आपका माइनस 500 प्लस 1000। और देखिए ये 50V प्लस 20V दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 70V। अब 1000 में से 500 गए तो 500 इज इक्वल टू 70V। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 500 अपॉन 70। तो V इज इक्वल टू 14.1 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। सो इसी से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।